सैलरीड एम्प्लॉय और पेंशनर के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सरकार ने इनकम टैक्स रूल में अमेंडमेंट कर दी है। अब यदि किसी व्यक्ति का TDS या फिर TCS कलेक्ट हुआ है किसी और सेक्शन के अंतर्गत, तो वो सैलरी या पेंशन के टैक्स से उसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर सकता है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इस प्रोविज़न का बेनिफिट ले सकें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इनकम टैक्स बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें WhatsApp चैनल और Telegram चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। दोस्तों, अब यदि किसी टैक्स पेयर को सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है और उसका टैक्स बनता है, लेकिन उसका TDS पहले ही कट चुका है इनकम टैक्स की किसी और प्रोविज़न के अंतर्गत, या फिर टैक्स कलेक्ट हो चुका है, तो उस केस में वो सैलरी या पेंशन के टैक्स से एडजस्टमेंट क्लेम कर सकता है। इसके लिए रूल 26B में अमेंडमेंट कर दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, मान लीजिए किसी टैक्स पेयर का टैक्स बनता है ओल्ड टैक्स रेजिम में 34,798, लेकिन उसका TCS ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, जैसे कि उसने फ़ोन रेमिटेंस की थी जिसके ऊपर के 1% TCS कलेक्ट हुआ था, या उसने कार परचेज की है जिसके ऊपर के TCS कलेक्ट हो चुका है। तो अब जो उसका टैक्स बन रहा है सैलरी में से, उसमें ये TCS लेस करके बैलेंस टैक्स उसे का काटा जाएगा एम्प्लायर के द्वारा। इसी प्रकार यदि न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट की जाती है तो उसमें से भी अब ये जो TDS या TCS डिडक्ट हो गया है, कलेक्ट हो गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो लेस करके ही बैलेंस अमाउंट ही TDS का कलेक्ट किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। तो इसके लिए अब नई अमेंडमेंट कर दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में। इसके लिए आपको नया फॉर्म देना होगा अपने एम्प्लॉयर को। दोस्तों, इसके लिए एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को फ़ोन नंबर 12BAA फिलअप करके देना होगा, जहाँ पे कि वो अपना नेम एंड एड्रेस लिखेगा, अपना पैन नंबर, आधार नंबर लिखेगा, फाइनेंशियल ईयर लिखेगा, इसके अलावा नीचे दिए गए पर्टिकुलर फिल करेगा कि इनकम टैक्स के किस सेक्शन के अंतर्गत उसका TDS कटा है, किस व्यक्ति ने उसका TDS काटा है, उसका एड्रेस क्या है, उसका टैन नंबर क्या है, कितना अमाउंट TDS का काटा गया है, कितनी उसे इनकम मिली है और एनी अदर रेलिवेंट डिटेल्स। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का TCS कलेक्ट हुआ है, मान लीजिए वो कार खरीदता है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू की, तो उसका 1% TCS कलेक्ट कर लिया जाता है, तो इसका भी वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है अपने एम्प्लॉयर से ताकि उसका सैलरी से TDS कम कटे। इसके लिए भी उसे बताना होगा कि किस सेक्शन के अंतर्गत उसका TCS कलेक्ट हुआ है, नेम क्या है कलेक्टर का, एड्रेस कलेक्टर का, टैन नंबर ऑफ द कलेक्टर, कितना अमाउंट इसका कलेक्ट किया गया है, एनी अदर रेलिवेंट डिटेल। इसके अलावा यदि लॉस हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसका जो डिटेल है वो फिल करनी होगी और नीचे वेरिफिकेशन देना होगा। इसके अलावा एम्प्लॉय जब TDS काटता है तो इसके लिए फ़ोन नंबर 16 जारी करता है एम्प्लॉय को, यानी कि TDS सर्टिफिकेट। इसमें भी अब अमेंडमेंट की गई है, यहाँ पे पार्ट बी जो दिया जाता है एनेक्चर 1 ईयर एंड पे टैक्स पेयर को एम्प्लॉयर के द्वारा, उसमें अमेंडमेंट की गई है। अब जो टोटल टैक्स टैक्स पेयर का बनेगा उसमें से वो TDS लेस कर दिया जाएगा, जिसके लिए कि उसने फ़ोन नंबर 12BAA दिया है। इसी प्रकार वो TCS भी लेस कर दिया जाएगा, जो कि फ़ोन नंबर 12BAA में दिया गया है। वो जो बैलेंस अमाउंट होगा टैक्स का, वही कलेक्ट किया जाएगा और वही गवर्नमेंट को जमा किया जाएगा। इसके अलावा जो TDS रिटर्नें फाइल की जाएंगी एम्प्लॉयर के द्वारा, उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। अब एम्प्लॉयर को वो अमाउंट रिपोर्ट करना होगा जो कि एम्प्लॉय ने 12BAA के अंतर्गत फिल किया है, यानी कि उसका TDS यदि किसी और सेक्शन के अंतर्गत कटा है, TCS कलेक्ट हुआ है, तो इसके लिए एम्प्लॉयर को रिपोर्टिंग करनी होगी TDS रिटर्न में। इसी प्रकार दोस्तों, यदि इनकम एक व्यक्ति के हैंड में एसेसेबल है लेकिन TCS दूसरे व्यक्ति के हैंड में कट गया है, तो इसके लिए भी अब प्रोविज़न डाली थी इनकम टैक्स एक्ट में कि जो दूसरा व्यक्ति है वो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकता है। मान लीजिए माइनर का TCS कलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो इनकम है वो पेरेंट के हैंड में क्लब की जाती है और पेरेंट को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो अब पेरेंट ही TCS का क्रेडिट भी क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए रूल 37I में अमेंडमेंट की गई है, जिसमें क्या बताया गया है कि यदि इनकम किसी और व्यक्ति के हैंड में एसेसेबल होती है तो TCS भी उसी के हैंड में काटा जाएगा। तो इसके लिए रूल 37I में अमेंडमेंट कर दी गई है और अकॉर्डिंगली आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें पेरेंट जो है वो TCS का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।